एसएन सिंह जी से है, ये बात सही है जो मेरे सहयोगी राजीव बोल रहे हैं एसएन सिंह जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह की बातें, इस तरह के नारे पहले बोलते हुए कभी नहीं देखा गया। तो इस बार क्या है, क्या लोकसभा में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले इतना डेंट कर दिया कि उससे बीजेपी उभर ही नहीं पा रही है और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं कि बिटिया घबराई, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के बयानों के आखिर क्या मायने, क्यों ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं? विपिनेश जी, देखिए राजीव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चैनल के सर्वेसर्वा हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगर राजीव जी को देखना है तो राजीव जी ये भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में 37 साल से सरकारें बदल जाती थी, उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास बदला है भाई। 10 साल की सरकार चलाने के बाद कांग्रेस तो सर के बल गिर गई, पैर ऊपर हो गया और 137 साल पुरानी पार्टी 100 की संख्या नहीं पार कर पा रही है। हाँ, आपने एक अच्छी बात पूछी कि ऐसे बयान देने की क्या आवश्यकता है कि अगर पश्चिम बंगाल से आवाज आ रही है कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है तो आपको मार के भगीरथ में फेंक देंगे। कोई उत्तर प्रदेश से कह रहा है कि 27 का इंतजार करिए, जहां जहां 80-90% हो गए हैं हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। बहुत जगह जहां पूजा हो रही है वहां पे लोग करें कि हमारा इलाका है, इस नाते देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ करेंगे। ये बंटवारे की बात क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि भाई हम 2 से जब 6 से 7 हो जाएंगे महाराष्ट्र में तब हम हिंदुओं को देख लेंगे, क्यों कहते हैं कि हमारी जहां जहां संख्या हो गई है वहां हमारे हिसाब से सरस्वती पूजा पंडाल पे प्रतिबंध लग जाएगा, ऐसी सारी चीजों को कहते हैं। तो हम कहते हैं जानती हैं विपिनेश जी, हुआ क्या है कि कई लोगों को ना वो कुर्सी की आदत लग गई है भाई। परदादा जी जो है वो मुझे लगता है मुगलों के समय में कोतवाल हो गए थे, दादा अंग्रेजों के वकील हो गए थे, स्वयं देश के बंटवारे के नाते देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। अब जो परिवार के लोग हैं वो कुर्सी के लिए इतना बंटवारा करना चाहते हैं, पूरब अच्छा है, पश्चिम अच्छा है, हिंदी अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, ये सब कौन कहता है, कौन कहता है देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कि उनसे हमारी दुश्मनी है। जब ऐसे बार बार बयान आते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उनसे दुश्मनी मत करिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, विपिनेश जी ये कौन नहीं देखा है, तो देश का इतिहास बताता है। और जो आदमी अपने इतिहास को भूल जाता है वो मुझे लगता नहीं, है कि वो अपने जी, तो आप कौन सा जोड़ने की बात कर रहे हैं, हरियाणा का फॉर्मूला जहां पर आपको दलित और ओबीसी वोट इंटैक्ट रहा और वहां पर आपका फॉर्मूला हिट हो गया, तो इसीलिए आप इस तरीके के नारे दे रहे हैं और यही आप उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में अपनाना चाहते हैं, तो आप कौन सा सभी को जोड़कर रखने की बात कर रहे हैं? आप भी तो अपने हित की बात कर रहे हैं कि जो वोट बैंक हमारा इंटैक्ट रहा वो ना बिखर जाए। विपिनेश जी देखिए, जब कथनी और कर्मी में अंतर होता है ना, तब विपिनेश जी जैसी पत्रकार एंकर सवाल उठा सकते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 10 साल से अधिक सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से अधिक सरकार हो गई, कोई योजना बताइए जिसमें हम भेदभाव किए हैं, हम बिजली में, पानी में, सड़क में, सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी मानकों में सबको साथ लेकर चल रहे हैं, विकास में सबको भागीदार बना रहे हैं, लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, तो सबसे पहले महाराज जी वहां का लाउड स्पीकर उतार रहे हैं जहां के महंत हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि बंटवारे की राजनीति क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं कि नहीं केवल वोट बोर्ड रहेगा और चीजें नहीं रहेंगी, क्यों कहते हैं कि भाई आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही रहेगा और चीजें नहीं रहेंगी, क्यों कहते हैं कि अल्पसंख्यक बोर्ड ही रहेगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बंटवारे का कार्य कांग्रेस ने किया और 3 एग्जाम्पल आपको दूंगा कि बंटवारे के नाते नुकसान क्या हुआ भाई। 100-200 लोग आते हैं और बंटवारे के नाते हम बढ़ते हैं तभी तो कट जाते हैं, तभी तो रजवाड़े जब बढ़ जाते हैं तो सोमनाथ मंदिर लूट जाता है, हमारी संस्कृति लूट जाती है जैसा मुगलों ने किया और अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति तो आपने देखा, बांट करके और 200 वर्ष देश में राज किए। और मैं तो पूछ रहा हूँ विपिनेश जी, क्या हुआ, गंगा जमुना तहजीब कहाँ गई, देश का तिरंगा कहाँ गया? भारत को बंटने के नाम पर ही तो हम 25 लाख लोग कटे, जो भी ट्रेनें आती थी उसमें गार्ड और ड्राइवर के अलावा केवल लाशें थी, खून था, हमारी लूटी हुई आबरू थी, ये बंटने के नाते ही तो कटे, क्या हो गया? हम तो आजादी को भोग रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा, उन विचारों का क्या दोष था कि देश आजाद होते ही नहीं ऐसे इस दुनिया में नहीं रहे, ये बात कर रहे हैं तो आपके नारों में भी तो सर्वधर्म वाली बात नजर नहीं आ रही है चुनावों में, जैसे हमारे पिताजी कहते हैं यही दिखा रहा है, तभी तो आप ये बात कह रहे हैं लगातार बार बार कि बटेंगे तो कटेंगे, लगातार नारे भी बदल रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास कांग्रेस जी, मैं आती हूँ आपके पास और भी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं।
जी जी दस सेकंड बोलिए दीजिए बोलिए विघ्नेश जी सिर्फ 10। विघ्नेश जी, ये हम पहली बार तो नहीं कह रहे, हमारे माता पिता भी गलत है, हमारी प्रार्थना पद्धति भी गलत है, हमारे पूर्वज भी गलत है, सभी लोग कहते हैं एकता में बल होता है, जब एक रहेंगे तो नहीं करें, और यही बात हम कह रहे हैं तो दर्द क्यों हो रहा है? आज 400-400 एनजीओ जो है वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, आज मदरसे से लेकर पता नहीं कहां कहां से लाउड स्पीकर से कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म खतरे में। किस खतरे में आप बताइए, किस योजना के नाते खतरे में? सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है, आप अपने आप से खतरे में हो जा रहे हो। और अगर हम याद दिला दे रहे हैं कि कोई खतरे में नहीं भैया, मिलकर चलिए, किसी को दुश्मन मत समझिए, किसी को मार के भगीरथ में मत फेंकिए, लव जिहाद वोट जिहाद ऐसी चीजों को मत करिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे सेफ रहेंगे। इतनी सुंदर बात अगर हम कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, ये नहीं अच्छा लगता तो है? सबका आप साथ बताइए सबका ना, विकास कौन की रहा? जब बात करते हैं तो समाज का हर तबका आता है, तो फिर इसमें आप नारों के जरिए छटनी क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम वोट बैंक आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप हिंदू की चिंता करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा तो हमेशा से ही आपका रहा है, तो फिर आप ये मत कीजिए ना, ये नारा मत दीजिए, इसको पलट दीजिए, बदल दीजिए कि सबका साथ सबका विकास। एसएन सिंह जी, इतने सी हमने कहा नहीं, हमने करके दिखाया है, आप देखी हो, सबसे ज्यादा आवास उस समाज को मिलता है जो दबा कुचला होता है, उस समाज को मिलता है जिसके खिलाफ रिपोर्ट आई रहती है कि नहीं ये सबसे दबा कुचला समाज है, मुस्लिम समाज है, सबसे ज्यादा आवास मिलता है। 5 लाख रुपए दवा योजना का लाभ अगर सबसे ज्यादा किसी को मिल रहा है, आप डेटा निकाल कर देख लीजिए। हम कहते नहीं आपके पास तो सब कुछ है, और हमारे कहने से क्या है, उस मुस्लिम समाज को मिला है जिसके लिए रिपोर्टें आती थी कांग्रेस के समय में कि ये पिछड़ा समाज है, सबसे ज्यादा बिजली और आवास योजना का लाभ, सबसे ज्यादा विकास का लाभ उसी उन्हीं लोगों को मिला है। हम तो कार्य करके दिखाते हैं, लेकिन हम ये बताने का कार्य करते हैं कि हम आपस में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ठीक है, वो तो लोकसभा में रिजल्ट में भी काफी हद तक आपको बता दिया कि आपने कितना काम किया।